आज स्पेशल एपिसोड्स हैं, एक स्पेशल वीक चल रहा है आई बिलीव सर, सेलिब्रेटिंग हीरोज़ जो हमारे महावीर हैं फोर्सेस में, उनको सेलिब्रेट करना, उनका कंट्रीब्यूशन. तो आई थिंक द कनेक्ट इज़ ब्यूटीफुल क्योंकि पेशवा बाजीराव भी एक महावीर योद्धा थे एंड थ्रू द फिल्म होपफुली वी कैन सेलिब्रेट हिज लाइफ एंड हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स एक्सपैंडिंग द मराठा एम्पायर. तो एक कनेक्ट मिल जाता है एंड मैं आभारी हूँ अनूप सर का, शो वालों का, कि हमें यहाँ आने दिया और ये स्पेशल एपिसोड होस्ट करने दिया, लोगों को बताने दिया कि हमारी फिल्म आ रही है 18 को. पर आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी हियर. इट्स अ वेरी वेरी पॉपुलर शो. आई हैव सीन सम एपिसोड्स माई सेल्फ. हैट्स ऑफ टू सर एंड द वे ही होस्ट्स इट. यू नो, अभी मुझे बता रहे थे कैसे पब्लिक इनको फ़ोन लगाती है कि भैया हमारा ये प्रॉब्लम चल रहा है, हमारा ये फड्डा हो गया, हमारी हेल्प कर दो. तो इट्स टेस्टमेंट टू द काइंड ऑफ पेनिट्रेशन दैट द शो हैज़ हैड 7 days a week इन योर होम एवरी नाइट. सो आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिकली एंटरटेनिंग, एंगेजिंग, ग्रिपिंग शो एंड आई टिप माई हैड टू अनूप सर एंड हिज टीम फॉर पुटिंग अप सच अ ग्रेट शो. मैं सच कहूँ तो रणवीर जो हैं अभी प्रेजेंट जनरेशन में जो एक्टर्स हैं, ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट एक्टर्स. थैंक यू सर. मैंने इनकी सारी फिल्में देखी हैं, इनका काम देखा है और जिस तरह से इन्होंने यू नो वैरायटी ऑफ रोल्स इन्होंने अपनी अपनी फिल्मों में किए हैं, चाहे वो लुटेरा अगर आप देखें तो एक अलग तरह का कैरेक्टर है, अगर आप दिल धड़कने दो देखें तो एक अलग ही रोल है. और ये हमेशा जो है एब्सोल्युटली टू द मार्क सही सुर लगाते हैं हर रोल का. थैंक यू सर. तो मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि ये जो स्पेशल वीक प्लान हुआ और इसमें रणवीर आए और बाजीराव मस्तानी जैसी फिल्म का इंटीग्रेशन हुआ इस फिल्म में, तो जो ये किरदार प्ले कर रहे हैं वो किरदार भी अपने आप में एक यू नो एक ऐसे सेलिब्रिटी, एक वीर हैं जिनको हिस्ट्री में उनका नाम है और उसी तरह के जो रियल लाइफ के हीरोज़ हैं, वी आर गोइंग टू पोर्ट्रे देम इन दिस पर्टिकुलर वीक. सो आई थिंक इट विल बी अ ग्रेट कॉम्बिनेशन. सुर से याद आया, इनकी आवाज़ का मैं बड़ा फ़ैन हूँ. आवाज़ तो एक ही है मिस्टर बच्चन की, उनके अलावा और किसी की आवाज़ नहीं हो सकती. पर यू हैव अ फैबुलस वॉइस सर. तो मैंने भी इस फिल्म में कोशिश की है कि मैं बैरिटोन आवाज़ में अपने डायलॉग्स को डिलीवर करूं. उसको कंसिस्टेंट रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट वी वर्क वेरी हार्ड एंड स्पेसिफिकली ऑन जस्ट द वॉइस, क्योंकि जिस आदमी में इतना वजन हो उसकी आवाज़ अनूप सोनी जैसी होनी चाहिए. जी, हमारे जो एपिसोड्स आज हम शूट करने वाले हैं, 2 एपिसोड होने वाले हैं, दोनों में बहुत ही मैं नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन दे हैव दीज हीरोज दैट वी आर सेलिब्रेटिंग, वंडरफुल स्टोरीज एंड अमेजिंग टू सी कि किस तरह से उन्होंने कंट्रीब्यूट किया. उन्हें काफ़ी सम्मान मिला है एंड इट्स आई थिंक इट्स वंडरफुल दैट वी आर हाईलाइटिंग दैर स्टोरी एंड गेटिंग इट आउट देयर टू द पीपल. मैन हु आर वेरी ब्रेव, वेरी करेजस एंड सेल्फलेसली वर्क टूवर्ड्स प्रोटेक्टिंग आवर पीपल एंड देयर लाइव्स. मेरी इनकाउंटर हो गई थी जुहू में देर रात, और आई थिंक दे वर ऑल, इट वॉज अ मोटरसाइकिल गैंग एंड दे वर ऑल ड्रंक एंड लुकिंग फॉर अ फाइट. एंड मेरे साथ एक मोहतरमा थी और वो बेसिकली दे वर जस्ट ट्रबल मेकर्स. तो खुद ही मोटरसाइकिल से मेरे गाड़ी में उन्होंने क्रैश लगा दिया और फिर खुद ही चेस करने लगे कि आपने हमारी मोटरसाइकिल को मारा तो अब हम आपको मारेंगे. बट अलर्ट रहना पड़ा. मैंने थोड़ी फास्ट एंड द फ्यूरियस टाइप की ड्राइविंग करके वहाँ से निकल गया मैं. ये तो एक ही इंसिडेंट है, मेरे साथ अक्सर होते रहता है क्योंकि मैं खुला घूमता हूँ ना, तो ये अक्सर होता है मेरे साथ. ये अलर्ट रहते हैं और इनकी अलर्टनेस इनकी चॉइस ऑफ फिल्म्स में भी आपको देखने को मिलेगी. जिस तरह की फिल्में करते हैं उसमें भी बहुत अलर्ट रहते हैं. थैंक यू सर. मल्हारी का रिस्पांस बहुत कमाल का है. आई एम वेरी वेरी हैप्पी टुडे बिकॉज द सॉन्ग रिलीज यस्टरडे एंड द रिस्पांस इज कम इन बाय नाउ एंड पीपल आर लविंग इट. ये ततड़ ततड़ के बाद गणेश मास्टर जी भंसाली साहब और मेरी पार्टनरशिप एक बार फिर आई है. इट वॉज अप टू अस टू टेक इट अ फ्यू स्टेप्स फर्दर एंड तथा तथा. सो होपफुली वी फ्रॉम व्हाट वी कैन सी पीपल आर अप्रिशिएटिंग इट. इट वॉज अ लॉट ऑफ फन टू शूट. गाना भी बहुत हाई एनर्जी, अपबीट और सेलिब्रेटोरी, जैसे विक्ट्री एंथम हम कह रहे हैं. पेशवा बाजीराव मोटिवेटिंग हिज ट्रूप्स एंड सेलिब्रेटिंग दिस ग्लोरियस विक्ट्री विद देम. तो इट वॉज अ लॉट ऑफ फन टू शूट.
गाना जैसे ही बजता था, वो जिस एनर्जी की आप बात कर रहे हो, बजते ही मेरे में एनर्जी और करंट आ जाता था। तो अब मैं सोनी सर को भी दिखाऊंगा कि गाना कैसे बना है। दिस इज़ अ स्मॉल कट फॉर द प्रोमोज, देयर इज़ अ मच लार्जर कट इन द फिल्म दैट वाज फुली हाई एनर्जी, फुल पावर सेलिब्रेशन सॉन्ग एंड अ लॉट ऑफ फन टू शूट।